हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, एक जिसके अंदर हमने रीजनिंग के अल्फाबेट टेस्ट यूनिट को लिया है। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प चुनिए। यानी कि हमें यहाँ पे शब्दकोश, यानी कि जिसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे जो गिविन ऑप्शंस हैं उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पी पी पी, पाँचों ऑप्शंस में पी है। और सेकंड, अगर हम अपने वर्ल्ड की तरफ जाएं तो सेकंड ऑप्शन में भी सब में ई आ रहा है। थर्ड ऑप्शन पे जाएं, थर्ड ऑप्शन में भी सब में एस है। फोर्थ ऑप्शन में भी सब में टी है। और अगर हम फिफ्थ ऑप्शन पे जाएं तो सब में आई आ रहा है। अब हम देखते हैं अपना सिक्स ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, सिक्स ऑप्शन में देखें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, आई, आई हमारा आ रहा है। तो पहले हम ले लेते हैं आई। लेकिन आई में भी देखिए फ्रेंड्स, टू एंड फोर दोनों ऑप्शन में क्या है, आई आई है। तो हमें देखना है कि इसमें आई के बाद वाला अक्षर जो है वो किस में है। तो वो है टी आई सी आई डी ई। इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सी, और इसमें आ रहा है एल। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन पे आएगा वो होगा फर्स्ट हमारा टू। सेकेंड में अगर हम देखें तो सेकेंड क्या आ रहा है हमारा, अब हम इसको देखें तो हमारा आई यहाँ भी है फ्रेंड्स, फिफ्थ ऑप्शन में। तो सी के बाद क्या आता है, सी, उसके बाद एफ आता है, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, फाइव। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आएगा थर्ड ऑप्शन जो कि है हमारा एल। ठीक है, अब हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारे ये दोनों हो गए, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, वन एंड थ्री। वन एंड थ्री में हमें देखना है कि कौन सा सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो एल ई एन, एल ई एन ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन बाद में इसमें टी गिवन है और यहाँ पे सी। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा थ्री, और उसके बाद आएगा फर्स्ट। तो ये हमारी सीरीज चलेगी टू फाइव फोर थ्री वन। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पे आ रहा है, टू फाइव फोर थ्री वन, यानी कि ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इस सीरीज में हमारे ये सारे मीनिंग्स आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो हमारा डिक्शनरी में जो हम जिस सीरीज में दिए होते हैं हमें उस सीरीज में यहाँ पे अरेंज करना है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन गिविन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमें ये एक मीनिंग दिया हुआ है, हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। मिस फॉर्च्यून हमें वर्ड दिया है, एफ ओ आर टी। ये देखिए एफ ओ आर टी यहाँ गिविन है, यानी ये बनाया जा सकता है। टी यू आर एन, टी यू आर एन ये भी यहाँ पे गिविन है, ये भी बनाया जा सकता है। एस ओ एफ टी, एस ओ एफ टी ये भी यहाँ पे गिविन है, एस ओ एफ टी ये भी बनाया जा सकता है, जबकि ये आर ओ ए एम। तो फ्रेंड्स, आप देखें मिस फॉर्च्यून के अंदर हमने जो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं इसमें कहीं भी ए गिविन नहीं है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर होगा आर ओ ए एम, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे ए गिविन है और मिस फॉर्च्यून से हम ये वाली स्पेलिंग नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगेन हमें यहाँ डिक्शनरी के सीरीज में यहाँ पे अपने वर्ड्स को लगाना है। मैटर, मोटिव, मॉकरी, मैनेज एंड मोटिव्स, यहाँ पे हमें ये स्पेलिंग्स गिविन है, हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सभी हमारी एम से स्टार्ट है। सेकेंड हम लेके चले नंबर या वर्ड, तो हमारा ए है, ए हमारा दो में आ रहा है, फर्स्ट में भी ए आ रहा है एंड फोर्थ में भी ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड की तरफ मूव करेंगे। थर्ड यहाँ पे टी है और इसमें है एन, तो यानी कि फोर्थ हमारा पहले आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन ये हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा मैटर। अब हमारे पास क्या बचे, हमारे पास बचे टू थ्री एंड फाइव। अब हमें इसमें से देखना है टू थ्री फाइव में से, तो ये हमारी सीरीज बनी फोर वन। हमारे पास बच्चा है मोटिव, मॉकरी और मूवीज। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो थर्ड लेटर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा मॉकरी, एम ओ सी। तो यानी कि हमारा थर्ड आएगा, नंबर थर्ड। उसके बाद बचे हमारे पास मोटिव एंड मूवीज,
तो मोटिव में थर्ड वर्ड है हमारा टी, और मूवीज में थर्ड वर्ड है हमारा वी, जो कि हमारा नीचे आएगा। तो हमारी सीरीज बनी 4 1 3 2 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, 4 1 3 2 5, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है। यहाँ पे 4 1 3 2 5 है, तो इस कॉम्बिनेशन में हमें अपने स्पेलिंग्स को अरेंज करना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अगेन हमें नीचे दिए हुए शब्द जो स्पेलिंग है उसमें हमें देखना है कि कौन सा अक्षर इसमें से नहीं बनाया जा सकता, स्पेलिंग नहीं बनाई जा सकती। इसेंस, इसेंस फ्रेंड्स ये गिविन है, हम इसे बना सकते हैं। एंटाइस, ई एन टी आई सी ई, ये भी एंटाइस भी बनाया जा सकता है। सिक्वेन की बात करें तो एस ई क्यू यू आई एन, ये भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन की बात करें क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ओ आ रहा है हमारा, और ओ यहाँ पे हमें कहीं भी गिविन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं। कुछ अक्षरों का समूह नीचे दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि उसमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, और उनके अंकों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये स्पेलिंग दे रखी है, इसको हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इसका एक मीनिंग बनकर आए, और उसको फिर हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से अक्षर कहाँ कहाँ हैं। जैसे कि यू पे 1, वी पे 2, ए का यहाँ पे 3 दे रखा है, एन का 4 नंबर, एंड आर का 5, हमें पहले से अरेंज करना है। फ्रेंड्स बहुत इजी है, पहले जो आपको स्पेलिंग दी होती है ना, पहले आप उसी को प्रोनाउंस करने की कोशिश किया कीजिए कि यहाँ इसको प्रोनाउंस करने से कौन सा वर्ड की साउंड आपको पता चल रही है। जैसे कि उबनर, उबनर, उबनर से फ्रेंड्स किसकी साउंड आ रही है हमारी, इससे हमारी निकल कर आ रही है साउंड अर्बन की। तो इस अर्बन की स्पेलिंग क्या होती है, यू, अर्बन की स्पेलिंग होती है यू आर बी ए एन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हैं, तो आपको जो स्पेलिंग गिविन होती है, आप पहले उसी को प्रोनाउंस करने की कोशिश करा करिए, क्योंकि उससे हमें जो रियल मीनिंग है वो निकल कर आ सकता है, एक आइडिया लग जाता है। तो फ्रेंड्स यू के लिए हमें क्या वर्ड मिला था यहाँ पे, 1, तो अगेन आपने लिया यहाँ पे 1। आर के लिए क्या वर्ड नंबर गिविन है, 5। बी के लिए क्या गिविन है यहाँ पे, 2। ए के लिए गिविन है 3, एंड एन के लिए गिविन है 4। तो आपकी ये सीरीज बनकर आएगी 1 5 2 3 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 5 2 3 4। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तथा एकांतर अक्षर काट दिया जाए, तो मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसको वास्तविक क्रम में लिखना है और एकांतर अक्षर काट दिया जाए, तो इसमें से मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा, तो मध्य का अक्षर हमें देखना है। तो पहले तो फ्रेंड्स आप इसको अरेंज कर लीजिए, आपको इसको अरेंज करना है अंग्रेजी वर्णमाला को। तो पहले आप अपनी नोटबुक में ए से जेड तक लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पर मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि वो इतना विजिबल नहीं होगा, तो आपको ए टू जेड तक पहले अपनी कॉपी पर लिखना है पूरी वर्णमाला को। उसके बाद आप देखिए कि आपने आप जब उसका सीरियल बनाएंगे तो आपको एकांतर अक्षर काट देने या निकाल देने पर शेष अक्षर कितना बचेगा, तो आपको लास्ट से एंड स्टार्टिंग से, जैसे कि ए है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपने ए लिखा और यहाँ पे पूरी वर्णमाला लिखी और यहाँ पे आपने लिखा है जेड, तो आप यहाँ से मूव कीजिए एंड यहाँ से मूव कीजिए, आपको बीच में एक वर्ड छोड़ना है, और आप यहाँ से देखिए एंड यहाँ से रिवर्स में चलिए, और आपको देखना है कि बीच में मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो पहले तो आप इसमें एक एक अक्षर छोड़कर आपको लिखना है, मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे कि आपने लिखा ए, आपने लिखा बी सी डी ई एफ, ठीक है, आप इस तरह से जेड तक अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पे आपको एकांतर अक्षर छोड़ना है, यानी कि एक एक अक्षर छोड़ के लिखना है। तो पहले आपने ए को छोड़ा, आपने कौन सा लिया बी, सी को छोड़ा आपने लिया डी, ई को छोड़ा आपने लिया एफ, तो इस तरह से आपको जेड तक सारे नंबर्स वो वर्ड लेने हैं सारे।
अब आपने इस तरह तक ले लिए, तो फ्रेंड्स देखिए आपकी कॉपी पर, आपकी नोटबुक में जो वर्ड लेकर आए होंगे वो आया होगा ए, फिर आया होगा सी, फिर आया होगा ई, जी, आई, के, एम, नीचे लिख देती हूँ मैं, ओ, क्यू, फिर आया होगा आपका एस, यू, डब्ल्यू एंड वाई, आपके ये निकल कर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ से काउंट कीजिए, 3 एंड 3 6, एंड ये 3 एंड 3 6, ये कितने हो गए टोटल। यहाँ से आपने 6 वर्ड हटा दिए, यहाँ से आपने 6 वर्ड हटा दिए, तो मिड की वैल्यू क्या निकल कर आई, एम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो मैं अलग से एक प्लेन पेपर पे आपको फिर से समझाने की इस क्वेश्चन की कोशिश करूंगी। तो प्लीज जरूर बताएगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनना है जो कि नीचे दिए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जाता है, जैसे कि डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स देखिए डिक्लेरेशन क्या इससे बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि डिक्लेरेशन में देखिए सी दिया हुआ है और इस स्पेलिंग में कहीं भी आपको सी गिविन नहीं है। दूसरा आता है नेशनल। नेशनल यहाँ पे गिविन है, हाँ नेशनल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल भी नहीं बनाया जा सकता फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एल गिवन है और एल इस स्पेलिंग में कहीं भी गिवन नहीं है, तो आप डिटर्मिनेशन से नेशनल नहीं बना सकते। फिर आता है टर्मिनेटेड, क्या ये बनाया जा सकता है, TERMINATED, यस टर्मिनेटेड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डेविएशन। फ्रेंड्स डेविएशन की बात करें तो अगेन यहाँ पे वी गिवन है और इस स्पेलिंग में वी आपको गिवन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है जो इससे अक्षर बनाया जा सकता है वो है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड डिटर्मिनेशन से हम इजिली बना सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से आप एक नंबर वहां पे अपना लूज कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका ये मार्क्स जा सकता है, तो आपको बस अच्छे से ध्यान देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए शब्दों को शब्द कोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको शब्द कोश के अनुसार पहले तो व्यवस्थित करना है, ठीक है। आप इसको किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, ए बी एफ, सॉरी इसको पहले तो आप व्यवस्थित करेंगे अपने क्रमवाद से। क्रम से आप कैसे करेंगे, शब्द कोश के अनुसार, इसको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रैंक फ्रैंक फ्रैंक, यहाँ पे फ्रॉ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे 3 वर्ड आपके सेम है, ये तो यू है, तो आप पहले ही सोच लीजिए कि ये वाला वर्ड तो आपका अगेन नीचे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यू गिवन है, ये तो आपका नीचे ही आना है डिक्शनरी के सिक्वेंस में। अब आपको ये 3 वर्ड लेके चलने हैं, ए बी एंड सी, इन 3 में से आपको कंपैरिजन करना है, तो आप जाइए थर्ड फ्रैंक के बाद जो नेक्स्ट आपका वर्ड है, तो आ गया यहाँ पे एफ आर एन ए, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आएगा पहले, उसके बाद आपके पास बचे 2, तो यहाँ पर आ रहा है के, यहाँ पर आ रहा है के बाद ई, यहाँ आ रहा है के बाद आई, तो पहले कौन सा वर्ड आता है फ्रेंड्स, पहले आता है हमारा ई, तो यानी फर्स्ट एंड टू, तो आपका जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा 3 1 2 4, ये है आपका। तो आपको इस बताना है कि आपका अंतिम शब्द ज्ञात कीजिए, तो आपको अंतिम शब्द बताना है, तो आप इजिली बता सकते हैं कि अंतिम शब्द जो हमारा आएगा वो होगा हमारा फ्रॉडलियंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ये आपका अंतिम शब्द होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनका इंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स नीचे है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप यहीं से क्वेश्चंस को संभल के चले, क्योंकि वहां पे आप क्वेश्चन बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, इस नियम का पालन निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में किया गया है, यानी कि इस प्रश्न के अंदर अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, एक एक करके आप नियम को छोड़ेंगे शब्द को, उसके अनुसार आपको ये बताना है कि उसके नेक्स्ट क्या क्या है, या फिर आप किस क्रम में उसको छोड़ रहे हैं वर्ड। देखिए ऑप्शंस हैं ए बी एफ जी जे के, ए सी एफ जी जे ओ यू, एम पी क्यू एस टी वी एंड ए डी एफ जे
एच जे एल, तो इसको आपको एक एक व्यवस्थित क्रम में बताना है कि किस तरह से छोड़ा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें ए, अगेन आपको अपनी ये सारी वर्णमाला अपनी कॉपी पर लिखनी होंगी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, आप एन तक लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, एफ ए बी, बी के बाद आ रहा है एफ, और यहाँ कितना आ रहा है ए सी। ये तो कोई सीरीज नहीं हुई कि ए के बाद एफ आएगा, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन तो आपका कट गया, कि ए ऑप्शन तो आपका होने से रहा, कि ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ए के बाद एफ ये सीक्वेंस नहीं बन रहा कि ये किसी सीक्वेंस से आ रहा है। हम जाते हैं दूसरे सीक्वेंस पे, ए सी, सी के बाद आ रहा है एफ, ये सही सीक्वेंस लग रहा है हमें। फ्रेंड्स अगेन अगेन हमें रिवर्स लिखना होगा, तो आप ऐसे समझिए, ए के बाद सी, सी के बाद क्या आपके पास से गया सी डी ई, दो वर्ड गए, यहाँ पे तो आपको बीच में एक वर्ड गया बी, यहाँ पर आपको दो छोड़ने पड़े, तो ये वाला भी कट गया। ठीक है, अब हम आ गए एम पे, एम एन ओ पी, यानी कि दो यहाँ पे छोड़ा गए हैं। पी के बाद पी क्यू, अगेन क्यू आ गया, तो ये भी यहाँ पे हमारा सिक्वेंस सही नहीं बैठा, तो ये भी कट गया। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा डी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमें इसमें से बताना है कि कौन सा अक्षर बनाया नहीं जा सकता है। तो स्पेलिंग है हमारी डिटर्मिनेशन, डिटेंशन, डिटेंशन इससे बनाया जा सकता है, डेस्टिनेशन, फ्रेंड्स डेस्टिनेशन की बात करें तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर हमारा निकल कर आ गया बी, क्योंकि फ्रेंड्स इस स्पेलिंग में कहीं भी एस गिवन नहीं है और यहाँ पे डेस्टिनेशन में एस दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है, यानी कि आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक सीरीज दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या क्या नंबर्स उसमें गिविन है। एस ओ यू आर बी आर सी ई, इसका नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 7। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें किस तरह से हमें इसको व्यवस्थित करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखें तो 2 4 1, एक बार इसको फिर से इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्या के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है, यानी कि आपको अगेन वही स्पेलिंग बना के चलनी है। आप देखिए कि इस स्पेलिंग से आप कौन सी स्पेलिंग जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। सॉब्रेस, क्या आप स्पेलिंग इसकी बन सकती है? तो फ्रेंड्स इसकी जो स्पेलिंग बनेगी तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑब्सक्योर, ओ बी एस सी यू आर ई, ओ बी एस सी यू आर ई, इसकी जो स्पेलिंग बनकर आएगी वो होगी ऑब्सक्योर। अब आप देखिए, ओ पर यहाँ पे क्या नंबर गिविन है, 2, बी पर गिविन है 4, एस पे गिविन है 1, सी पे गिविन है 6, यू पर गिविन है 3, आर पे गिविन है 5, ई पे गिविन है 7। तो आप देख लीजिए आपकी ये सीरीज बनेगी 2 4 1 6 3 5 7। तो फ्रेंड्स ये सीरीज आपकी मिल रही है ऑप्शन नंबर डी पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो स्पेलिंग्स दी जाएंगी वो ज़्यादा टफ नहीं होंगी, वो नॉर्मली आप यूज़ करते होगे या फिर आप कुछ कुछ प्रैक्टिस करनी होगी तभी हो सकती है इसकी, क्योंकि इस तरह की स्पेलिंग्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको स्पेलिंग बनाने में टाइम लगेगा, आप अचानक से एकदम यूँ हिंट नहीं कर पाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी स्पेलिंग है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस की, मेनली इस तरह की जो स्पेलिंग्स होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरह की स्पेलिंग्स रिपीट होती हैं,
तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में वही स्पेलिंग्स आ जाएं जो कि पहले पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बना है, यानी कि इस अक्षर से बना है। अक्षर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्लेस। अब यहाँ पे देखो क्या बना है, ग्लैड इससे नहीं बना है, लेजी नहीं बना है, जील इससे बन सकता है क्योंकि जेड ई ए एल ये वर्ड इसमें है, लीज भी इससे नहीं बना है क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर एल आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जील। तो ये तो बहुत कॉमन था, आप इजिली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सरकम ब्रे सम सरकम स्क्राइब। सरकम स्क्राइब आपको ये वर्ड ट्राइप्स आप इससे नहीं बना सकते हैं, बार बार आप इससे नहीं बना सकते हैं, स्केयर स्केयर भी आप इससे नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ए गिविन है और ए आपको इस स्पेलिंग में कहीं भी गिविन नहीं है, लेकिन आप क्रोम्स या इससे बना सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि बताना है कि इससे क्या क्या नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि ऑप्शन स्पेलिंग है आपको गिविन है सिग्निफिकेंट, तो फैक्ट इससे बनाया जा सकता है, ज्वाइंट इससे बनाया जा सकता है, स्कैंट इससे बनाया जा सकता है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें फ्यास्को है वो इससे नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ओ गिविन है और ये ओ यहाँ पे आपको कहीं भी गिविन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कमिश्नर। तो फ्रेंड्स कमिश्नर से अगर हम देखें कि क्या क्या बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर मिशन बनाया जा सकता है, कॉमन भी बनाया जा सकता है, सिरेन भी बनाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मिसाइल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मिसाइल में एल गिविन है और यहाँ पे आपको एल ऊपर गिविन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें एन ओ टी ई तो नोट बनाया जा सकता है, टोन भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, नेशन बनाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एग्जामिन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि एग्जामिन में हमें डबल ई गिवन है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल ई गिवन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और प्लीज अगर किसी भी तरह का आपको अभी भी डाउट है या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे समझाने का तरीका आपको ठीक ना लग रहा हो या फिर क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ण हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे, यानी कि आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है और उसके हर तीसरे वर्ड को आपको हटाना है। जैसे कि मैं आप अरे यहाँ पे लिखूं ए बी सी डी ई एफ, तो आपको क्या करना है, ई को रिमूव करना है, एफ को रिमूव करना है और इसके बाद जो भी थर्ड नंबर पे जो भी आता है आपका वर्ड वो आपको प्लेस हटा देना है, बिल्कुल रिप्लेस कर देना है। तो उसके बाद जो आपके पास जो वो बचेंगे वर्ड आपको जो वर्णमाला बचेगी तो आपको बताना है कि वो नई श्रेणी में कितने स्वर होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो उसको हटाने के बाद तो आपके पास जो वर्ण बचेंगे वो होगा आपका, सॉरी इसमें पूछा है कितने स्वर, तो आपको स्वर बताना है, जैसे कि होता है ना ए ई आई ओ यू, तो आप ऐसे हटाओगे तो उसमें से सिर्फ आपके पास दो स्वर बचेंगे वो होगा ए एंड ई, जबकि आई ओ यू इसको आप रिमूव कर दोगे क्योंकि ये हर तीसरे प्लेस पर आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास स्वर बचेंगे दो जो कि आपका होगा ए एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रश्न में तीन विकल्प एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला को शामिल करते हैं, उस एक का चयन कीजिए जो कि समान समूह में संबंधित नहीं है, यानी कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपको तीन विकल्प गिवेन है विशेष रूप से, अब आपको एक का चयन करना है जो कि समान रूप से संबंधित नहीं है, तो इन चारों में से आपको देखना है कि क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें ई के बाद एच कब आता है, ई एफ जी एच, यानी कि
तीसरे नंबर पे एच आता है, और जी अगर हम एच से एक -1 पर जाएं तो ये हमारा -1 की तरफ जाएं तो जी के बाद एच आता है, या फिर अगर हम रिवर्स भी लेके चलें तो जी के बाद एच आता है, एल के बाद एम आता है, आर के बाद एस आता है, लेकिन फ्रेंड्स एक्स के बाद अगर हम देखें तो वाई तो आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे यूवी थर्ड प्लेस पर वाई क्या आता है, तो फ्रेंड्स यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा, जबकि यहाँ पे वाई गिविन है, ये होना चाहिए था यू एक्स और ये यू वाई गिविन है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसका चयन कीजिए कि जो सबसे पहले आता है, यानी आपको डिक्शनरी की फॉर्म में लिखना है सिक्वेंस में और ये बताना है कि पहले कौन आएगा, वॉश वेस्ट वॉर व्रिस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो डी है उसको आप रिमूव कर दीजिए, अब आपको ए बी और सी में देखना है, तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए ये तीनों में गिविन है, फिर है वेस्ट एंड वॉर, तो आर के बाद हमारा क्या आता है, आर के बाद हमारा आता है एस, तो जो हमारा पहले सबसे पहले आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वॉर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आता है, अब आपको इसमें देखना है कि अंत में कौन आता है, प्लेन प्लेन प्लेयर प्लेस। तो फ्रेंड्स देखिए तीनों में पी एल ए कॉमन है, इसमें भी पी एल ए पी एल ए पी एल ए एंड पी एल ए गिविन है, अब आपको जाना है फोर्थ नंबर पे, तो इसमें आ रहा है फोर्थ पे एन, इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है वाई, इसमें आ रहा है सी, तो फ्रेंड्स ये इजिली यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारा जो अंत में आ रहा है वो है प्लेयर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपना, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, नेक्स्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, तो किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह की अगर आपको लगती है कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बननी चाहिए या फिर आप चाहते हैं ये टॉपिक भी कवर हो तो आप प्लीज़ उस टॉपिक को भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक को भी कवर करूं, और मैंने प्रीवियस ईयर पे भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं तो आप चेक कीजिए कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।